इज वेलकम टू माई चैनल एबी रॉक्स टीम्स। यहाँ पर मैच हो रहा है मेजर लीग सॉकर का, ऑरलैंडो सिटी वर्सेस न्यूयॉर्क रेड बुल्स के बीच आज 6:10 पे। इसके बाद 6:40 पे मैच है, बट उसकी वीडियो नहीं आ पाएगी क्योंकि इतने कम टाइम गैप में मैं वीडियो नहीं बनाता, आधे घंटे का गैप है। फिर इसके बाद आएगी लॉस एंजलिस गैलेक्सी की वीडियो, फिर 10:30 वाले मैच की ऑस्ट्रेलियन लीग की वीडियो, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल, फटाफट कर लो ज्वाइन अगर चाहिए रात की बेस्ट जैकपॉट टीम ओपन, क्योंकि मैं सैटरडे संडे को भाई दिल खोल के टीम दे रहा होता हूँ। तो ज़रा सी भी देरी मत करो, तो आगे बढ़ते हैं। तो बात करें इस मैच की, तो ऐसा है कि मेरी नज़र में ऑरलैंडो सिटी और न्यूयॉर्क रेड बुल्स का जो प्रदर्शन है वो बहुत हद तक बराबर है, बहुत हद तक। और बराबर इसलिए क्योंकि इनकी रैंकिंग भाई बहुत ना सेम है, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं है। टॉप 10 में दोनों टीमें, एक टीम टॉप 5 पे चौथे नंबर पे है, लेकिन फिर भी मैं ऑरलैंडो सिटी 4 और 7 में फ़र्क नहीं समझता, ये इनकी रैंकिंग पोजीशन है। लेकिन तब भी मैं न्यूयॉर्क रेड बुल्स को भी तगड़ा मान रहा हूँ और इनको भी। मतलब मेरी नज़र ऐसा नहीं है कि मैं किसी के फेवर कर रहा हूँ, नो, मैं इन दोनों टीम्स के बिल्कुल साथ हूँ और मैं चाहूँगा कि दोनों तरफ से गोल हों, क्योंकि ये एक ऐसी लीग का मैच है, या आप ये मान लीजिए कि ये एक बहुत नज़दीकी मैच रहने वाला है। डबल साइड गोल हो सकते हैं, 2-1 का स्कोर मोस्ट प्रोबेबल है, या 1-2 का, समझ रहे हो। मतलब दो गोल या तो ये करेंगे या ये एक, या ये दो करेंगे वो एक। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्राइकिंग की बात करूं तो स्ट्राइकिंग सेक्शन में आई एंग्यूलो को मैंने देख रहा था, मैंने देखा कि एंग्यूलो जिस हिसाब से शुरुआत ली थी, लेकिन उस चीज़ पे बिल्कुल नहीं रह पाया, मतलब चल नहीं पाया उस चीज़ पे। जैसे मुझे लगा था कि इतना रेगुलर परफॉर्मर है, अच्छा करेगा, लेकिन बीच में अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा आए हैं, आते हैं, हर प्लेयर के आते हैं, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादा आए हैं। और आर एंड्रिक की बात करें तो आर एंड्रिक तो देखो थोड़ा समझ से ही मेरी बाहर है, मैं जिस दिन ट्रस्ट करता हूँ उस दिन ये नहीं चलेगा, और जिस दिन मैं ट्रस्ट नहीं करूँगा ये उस दिन चलेगा। मैं पिछले 2 मैच में रेगुलर सोच रहा था गोल आएगा, लेकिन इसने गोल कब किया, 25 नवंबर को, जबकि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि ATU के अगेंस्ट ये गोल करेगा। तो ये भी थोड़ा बाहर ही है समझ से, तो मैं एंग्यूलो के साथ सेफ जाऊँगा। ऑपोजिशन टीम में है मॉर्गन, जो कि मॉर्गन मेरे को मतलब ये प्लेयर ऐसा है कि जब चल गए तो भाई सीधा 2 गोल से कम बात नहीं होती, लेकिन मोस्टली फ्लॉप चांसेस आर हायर, क्योंकि एंड्रिक और इनमें कंपेयर करते हो तो हर बंदा मॉर्गन को लेगा, कोई बंदा भी नहीं होगा जो मॉर्गन की जगह पर एंड्रिक को लेने आएगा। हर बंदे को पता है कि मॉर्गन कॉमन है तो हम कॉमन लें, तो ठीक है मैं भी कॉमन प्लेयर के साथ जाऊंगा, लेकिन वैंजियर मेरी नज़र में सबसे बेस्ट यहाँ पर कॉम्पिटिटर है लोगों के लिए, और स्पेशली हमारे ओपोनेंट्स के लिए, क्योंकि लोग इसको लेंगे नहीं, और मेरे जैसा बंदा इसे कप्तान रख दे मैं डरूंगा नहीं। मैंने पिछले मैच में इसे कैप्टन रखा था, बोलो अब, न्यूयॉर्क सिटी FC के अगेंस्ट इसको कप्तान रख दिया था, और दम था तो कोई हरा के दिखा देता मेरी टीम को, क्योंकि डेंटे वेंजियर किसी की टीम में भी नहीं था, तो वही आज हम खेल खेलेंगे। मिडफील्डिंग की बात करें, देखिए भाई एफ टोर्स तो इनका मोस्ट कॉमन प्लेयर है, लोग समझ रहे हैं बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरे भाई आप लोग अभी भी ट्रस्ट गलत कर रहे हो। मैंने इसको एक मैच में भी ट्राई नहीं किया 3 मार्च के बाद से, कोई एक आधा मैच ही होगा जिसमें मैंने इसको लिया होगा, क्योंकि मैंने 28 अक्टूबर को भी ड्रॉप किया था, मैं हार गया था वाला मैच, फिर मैंने अगले मैच में भी ड्रॉप किया तो मैं जीता भी था। तो फैक्यूंडो के साथ तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको राय दूंगा कि आप ना इससे बढ़िया ना मार्टिन को ले लो। मार्टिन ओजेडा के बाद ना आपके पास और भी अच्छे अच्छे ऑप्शन है, यू हैव W कैटेगना, यू हैव C अरोजो, तो मैं आपको इनकी राय दूंगा। यार आपको कहाँ भाग रहे हो एफ टोर्स के पीछे, मैं ई फोर्स पक के साथ जाओ, न्यूयॉर्क रेड बुल्स का पेनल्टी टेकर है, उसके बाद मैं इनका भी कोई प्लेयर नहीं लेने वाला, अब एक प्लेयर ज़रूरी है, या तो आप अरोजो के साथ जाइए, इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू टेक टू रिस्क तो फिर टोर्स के साथ आपको जाना पड़ेगा। टोर्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आपका रिस्क फैक्टर जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, अच्छी बात है कई लोगों के लिए, लेकिन अगर रिस्क लेना है तो अरोजो। अब आप देखिए भाई जितना आप समझ सकें, डिफेंडिंग की बात करें तो देखिए जे टॉल्किन तो मोस्ट कॉमन प्लेयर, और टॉल्किन खेलता भी अच्छा है। एंड अगर आगे बात करें देन डी नीलिस के साथ जा रहा हूँ, नीलिस के बाद द नेक्स्ट वन इज एस नीलिस, ये शुगर है दोनों एक साथ खेल रहे हैं, कई बार एक इंजर्ड रहता है। और अगला जो अगर आप क्लीन शीट वाली टीम बना रहे हैं देन यू हैव टू गो विद एंड्रस, अगर नहीं बना रहे तो फिर आपको लेना पड़ेगा डी डैन, क्योंकि डी डैन ने प्रीवियस मैच के अंदर 25 नवंबर को एक बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिया था, बहुत ही ज़्यादा डिसेंट गेम प्ले था। अब आप देखिए क्या करना है, गोलकीपिंग सेक्शन में मैं लूँगा बी गैलेस को, नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किसको लेते हो। ये अभी 10 प्लेयर हैं, 11वां प्लेयर आप पे छोड़ा मैंने, मैं अभी एरियस को सेव कर रहा हूँ। बात करें कप्तान की, कैप्टन है मेरा वेंजियर, वाइस कैप्टन है ई फोर्सबर्ग, मैं बात का पक्का हूँ भाई, मैं मतलब बदलूंगा नहीं, वाइस कैप्टन बदल सकता हूँ, वाइस कैप्टन तो हो सकता है मैं मॉर्गन को रख दूँ, तो अगर आप मॉर्गन के साथ जाओगे तो आपके पास गोल रेशियो या गोल चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि फोर्सबर्ग पेनल्टी बेसिस पे ज़्यादा गोल करता है और मॉर्गन विदाउट पेनल्टी ज़्यादा गोल करता है, तो मॉर्गन के साथ जाओगे तो थोड़ा चांस ज़्यादा रहेगा गोल आने का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।